तो दोस्तों ऐसा है कि आज ये जो सेशन मैं लेने वाला हूं, जिसमें एक बहुत बड़ा सेंटेंस मैंने रखा था, व्हाट इज नेक्स्ट, और हमेशा एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारे पास होता है, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर 10th। अभी हम आफ्टर 10th सोच रहे हैं, क्योंकि 10th एक ऐसा क्रॉसवर्ड हो गया ना, कहीं एक ऐसा क्रॉस रोड हो गया है जहां पर हमें चारों रास्ते खुले हुए दिखते हैं, एंड लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। हमारे जनरेशन की मैं बात करूं तो हम यदि मैथ्स में अच्छे थे तो 90-95+ मैथ्स में लाया करते थे, वो बच्चा बायो और बाकी सब्जेक्ट में कम लाता था। आप जैसी ब्रिलियंट जनरेशन की मैं बात करूं तो आप 95+ हर सब्जेक्ट में ले आते, सो ब्रिलियंट। बट यकीन मानिए दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, हमारे जमाने के 59 और आपके जमाने के 95, समहू ज्ञान के मामले में शायद अभी भी हम अपने मदर फादर से बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि वो परसेंटेज 40, 45, 50 और 60% पर पास हुए लोग, और हम 95 और 100% वाले लोग इवन दो। अब वो जो हम कंफ्यूजन के एक इस पे एक कागज के टुकड़े पर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि मेरा बायो में अच्छा मार्क्स है, मेरा मैथ्स में अच्छा मार्क्स है, मेरा अकाउंट्स मतलब कॉमर्स में अच्छा मार्क्स है, मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए, आई एम गुड इन दैट मच, आई एम गुड इन दैट मच, बिल्कुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट कहीं ये भी तो हो सकता है कि यदि हम उस कागज के टुकड़े को थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो जो 10th की मार्कशीट है उसमें उस दिन का पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट का पेपर यदि हमारा थोड़ा सा मिस हो गया होगा या बिगड़ गया होगा, तो क्या हम उस चंद घंटों के कुछ इस पर अपनी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं? नहीं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल एक होमवर्क पूरा करना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या है। क्या ऐसी भी कोई ब्रांच हो सकती है जिसमें मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ना चाहता? यस 100% हो सकती है। ऐसे बहुत सारे बीए ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, ऐसे बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस अवेलेबल है। कोई एक आईआईटी का बंदा ये सोचे कि मैं बायोमेडिकल में जा सकता हूं, भाई क्यों नहीं जा सकते, आईआईटी में जाकर भी बायोमेडिकल में जा सकते। कोई बंदा वाइस वर्सा ये सोच रहा होगा कि क्या मैं बायोलॉजी लेकर भी आईआईटी में जा सकता हूँ, यस व्हाई नॉट, क्योंकि उसे आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। यानी ऐसी बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए वो है ना समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। आज ये जो सेशन अटेंड कर रहे होंगे, डेफिनेटली मैं कुछ हद तक तो ये आपको जरूर बता पाऊंगा कि हम किस दिशा में सोचना चाहिए। और दोस्तों फिर ऐसा है कि मैं बताने वाला कौन, ये भी एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। मैं भी बहुत सारे उन स्ट्रगल को देखकर आगे बढ़ा हूं, मैंने भी उस रिसर्च के मुकाम को हासिल किया है, बिलीव इट और नॉट, आई माई सेल्फ अ नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्डी इन 2012 बाई डॉक्टर एपीजे कलाम। मैंने देखा है कि वो प्रोसेस, रिसर्च की प्रोसेस कैसे होती है। मैंने भी मेडिकल की फील्ड को लेकर आगे बढ़ा और इस हैसियत से आपके सामने बैठा हूं कि एक हार्डली बहुत छोटी सी बात यदि करूं तो 25-30 घरों के गांव से चला हुआ व्यक्ति जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में अपने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट डज मैटर। मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है कि मैं यदि कर सकता हूं फाइनेंशियल क्राइसिस में, रिसोर्सेस के क्राइसिस में यदि मैं कर सकता हूं तो आप तो रिसोर्सफुल हैं। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज टू यू ऑल पीपल कि जरूरी नहीं कि हमें ये सब्जेक्ट लेना यही करना है। जस्ट इंट्रो इंस्पेक्ट योर कैपेसिटीज, आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं कॉमर्स में जाइए, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं उसमें जाइए, हॉस्पिटलिटी में जा सकते हैं उसमें जाइए, लॉ में जा सकते हैं उसमें करियर बनाइए। जस्ट बी फर्म व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देख रहे हो उसको देखिए, लेकिन उसके लिए आज वक्त का सदुपयोग करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वक्त रहते पेन रगड़ लो वरना जिंदगी में एड़ियां रगड़नी पड़ती। Choice is your, life is yours. बस उस वक्त पे पेन कैसे रगड़ना है वो जरूर मैं आपको बीच बीच में बताता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। एज पर माई कमिटमेंट आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू ऑल पीपल, एंड मैं आपके साथ उस स्लाइड के साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूंगा कि हम लोग किस किस फील्ड में कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और क्या सक्सेस मंत्र होने चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू बी वेरी क्लियर, एंड दैट आई एम नॉट फोर्सिंग और प्रेशराइजिंग एनी वन, आई एम नॉट फोर्सिंग और प्रेशराइजिंग एनी वन टू डू दिस ओनली, बट यस एटलीस्ट लिसन इट केयरफुली, डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स, जस्ट एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज, फाइंड आउट योर टैलेंट, फाउंड फाइंड आउट योर स्किल्स,
just know your capacities and go ahead with this. And even if you need it, if you need, sir, aapki madad chahiye, just make me a message, drop me a message or call. No. Right? So, dosto, just I hope the screen is visible to everyone. If someone is there, you can tell me ki yes, screen is visible. Okay, no problem. I can see because maine dono swar open kar rakha hai, bachcho. I can see the screen is clearly visible to everyone. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. जस्ट मिनट. ओके फाइन. व्हाट इज करियर मींस? आप चाहते हैं सफल होना. आप क्या, हर किसी का करियर बिल्टअप मतलब होता है सक्सेस, सफलता. बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन वो सबके पैरामीटर्स तो दोस्तों अलग अलग हो सकते हैं. वो सबके जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे अलग अलग हो सकते हैं, ये समझना जरूरी है. किसी का काम हो सकता है नेम और फेम, किसी का अपना ब्राइट करियर हो सकता है, किसी को बिग फिगर सैलरी, उसका अच्छा करियर हो सकता है, किसी के लिए सिक्योर और सेटल्ड लाइफ अपने आप में एक बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है. तो सबके सफलता के पैरामीटर्स अलग अलग डेफिनेटली, लेकिन सबके लिए जो जरूरी होना चाहिए वो मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा सोचना जरूरी. हम लोग कई बार अपने आप को एक मेंटल रेजिस्टेंस में पा ले कि नहीं वो मुझसे नहीं हो पाएगा. व्हाई आई शुड स्टार्ट विद थिंकिंग सीईटी, व्हाई नॉट आई शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर द मेंस. ठीक है जेई एडवांस में नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट ट्राई जेई एडवांस के लिए भी करने में क्या बुराई. जेई एडवांस की प्रिपरेशन होगी तब तो वो मेंस पर आएगा, नहीं तो सीटी पे डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रिपेयर किया. सो थिंक बिग, बिकॉज डॉक्टर कलाम साहब कहते थे कि छोटी सोच भी अपने आप में एक क्राइम है. अब सक्सेस के स्टेप्स क्या क्या हो सकते, क्या आपने गोल डिसाइड किया है अपना, क्या आपको उस गोल के तरफ बढ़ने के लिए आपने अपना नॉलेज ज्ञान कलेक्ट करने की सोची कि कहां से मिलेगा. बट बिफोर दैट, बिफोर डिसाइडिंग दैट गोल, जस्ट इंट्रो इंस्पेक्ट योरसेल्फ कि आपने आत्म परीक्षण किया कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, और यदि बेटर कर सकते हैं तो वो ज्ञान कहां से मिल सकता है, कौन मेंटोर है जो हमें सही टाइम का मैनेजमेंट बता सकता है, क्या ये होमवर्क मैंने पूरा किया कि कॉम्पिटिशन किस लेवल का है. आए मैंने सोच लिया कि ठीक है मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो डिफेंस कर लेता हूँ, डिफेंस में चला जाता हूँ. अरे भाई डिफेंस में चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि डिफेंस में अच्छा करियर बनाना है तो कंपटीशन किस लेवल का है. वो जमाना गया दोस्तों जब मदर फादर के जमाने की मैं बात करूं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है, बॉडी बिल्डिंग अच्छी है, चलो डिफेंस में चले जाते हैं. नहीं दोस्तों, अच्छा करियर बनाना है उसमें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, दैट इज CDS NDA. यदि अच्छा करियर बनाना है तो कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है, कॉम्पिटिशन एक्चुअली कहाँ है. जस्ट इमेजिन ना, आप 10th के बाद यदि कोई एग्जाम नहीं निकाल पाए, 12th के लेवल पर कोई एग्जाम नहीं निकाल पाए, तो आपको लगता है चलो कोई बात नहीं यार, दूसरा कोई एग्जाम निकालेंगे. एग्जाम निकाले बगैर तो कुछ नहीं होना, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बगैर तो आप लाइफ में सेट हो ही नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है. 12th में नहीं निकाल पाए तो ग्रेजुएशन के बाद निकालना होगा. ग्रेजुएशन में यूपीएससी पीएससी या इस लेवल के एनटीपीसी इस लेवल के नहीं निकाल पाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन में निकालना पड़ेगा GRF. यदि उसके बाद भी ना निकाल पाए तो लाइफ सेट होने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है. और कंपटीशन का उसूल है कि जितने जल्दी आप निकाल लो उतना कंपटीशन में सक्सेस आप जल्दी पा लेते. इसीलिए तो मैंने कहा ना कि वो जो वक्त रहते पेन रगड़ लो वरना जिंदगी में एड़ियां रगड़नी पड़ती. वो स्थिति आई जाती है पीजी के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, यदि तब तक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना निकले. यानी माइंडसेट तो कॉम्पिटेटिव अप्रोच का होना ही चाहिए, बिकॉज
विदाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफिकेशन इफ यू आर प्लानिंग कि वी विल हैव अ सेटल्ड लाइफ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल. हो सकता है किस्मत वाले तो वहां पर भी हो सकते हैं. आप सोच रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे पॉलिटिकल इश्यूज में बढ़िया काम हो सकता है, दोस्तों वहां भी बहुत कॉम्पिटिशन. सो एवरीवेयर देयर इज अ मच कॉम्पिटिशन. सो क्या हमने अपने आप को आत्म परीक्षण के बाद, इंट्रोस्पेक्शन के बाद अपना गोल डिसाइड किया है? और यदि गोल डिसाइड किया तो क्या हमने उसके लिए ज्ञान प्राप्त किया कि वो कहां से सारे डिटेल मिलने वाली है, कौन हमारा सही मेंटोर हो सकता है, किस इंस्टीट्यूशन से हमें सही जानकारी मिल सकती है, कॉम्पिटिशन का लेवल कहां पता लग सकता है, हम कहां पर हैं, और क्या हमारा टेम्परामेंट उस एग्जाम के फिट प्रिपरेशन के लिए फिट है. तो ये सारी चीजें, वो टेस्टिंग, वो एनालिसिस, किस जगह पर हमें सही मिल रहा है, ये सारे बच्चों एक हिडन फॉर्म में सक्सेस के बहुत बड़ी स्टेप्स होती हैं. इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना खुद का एनालिसिस. गोल डिसाइड कैसे करें, इसके लिए बहुत जरूरी है अपना आत्म परीक्षण. और गोल के लिए एक इंस्पिरेशन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है. गोल तक कैसे पहुंचा जाना, ये पहुंचाने वाला हमें एक मेंटोर बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं गुरु. और दोस्तों वक्त से अच्छा बड़ा तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा है कि यदि हम, वो दो टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं जो दूसरों के दुर्घटनाओं को देखकर संभल जाते हैं, और एक होता है जो जब तक खुद पे ना बीते तब तक समझ नहीं आते. लेकिन दोस्तों अब ऐसा वक्त नहीं बचा, इतनी तेजी से वक्त बदल रहा है. सो जस्ट फाइंड आउट कि आपका गोल क्या है, जस्ट इंट्रो इंस्पेक्ट योर कैपेसिटीज, योर स्किल्स, कि क्या आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है. क्या मेरा दिल और दिमाग मुझे कहता है कि हाँ मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए. बट ये दिल और दिमाग सिर्फ इसलिए तो नहीं कह रहा क्योंकि दोस्तों ने कॉमर्स ले रखा है. तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कॉमर्स क्यों लेना चाहते हैं, हम IIT में क्यों जाना चाहते हैं, हम फैशन डिजाइनिंग में ही क्यों अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. और वो इमोशन से फ्री होना चाहिए, क्योंकि आपकी इस इनोसेंट एज में, आपकी गलती भी नहीं, इनोसेंट एज में दोस्तों ये होती है गलतियां कि हम सिर्फ एक किसी की बातों को सुनकर एक मेंटल रेजिस्टेंस लगाकर कि नहीं हमें उधर जाना ही नहीं, हमसे नहीं होगा. गलत. जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ फर्स्ट. आपकी कैपेसिटी का मैक्सिमम निकालो तो सही, सब होगा. सो जस्ट इंट्रो इंस्पेक्ट यूर्स, जस्ट गेट द नॉलेज ऑफ दिस कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है. मैं बहुतों को सुनता हूं मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे इधर जाना है, CDS ND ऑफिसर बनना है. अरे भाई, सुबह 8-8 बजे तक सोकर नहीं उठ रहे हो, स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज के नाम से रोना आता है, और आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते, लाइफ डिसिप्लिन्ड नहीं. हिंदी में वो कहावत है दोस्तों, शासन करना चाहते हो तो अनुशासन में रहना जरूरी. वो किसी भी फील्ड में बहुत जरूरी, सिर्फ डिफेंस की ही बात क्या है. जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं, जिसको क्रैक करने जा रहे हैं, उसमें क्या कंपटीशन होता है, उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं. और डोंट वरी रिगार्डिंग साइंस, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा वी आर ऑलवेज विद देयर, रेजोनेंस इज ऑलवेज विद देयर. बट डिपेंड, पहले आपको चूज करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं. सबसे बड़ी बात होती है कि जिस भी एग्जाम को हम क्रैक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बिना कुछ होता नहीं. मैंने आपसे कहा ना, 10th के लेवल पर NTSC निकाला होता तो कॉन्फिडेंस अलग होता. और यदि किसी ने NTSC नहीं भरा है तो जीवन का सबसे बड़ा शायद उसने गलती कर दी है, क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एग्जाम. अब वो जीवन में एग्जाम दूसरी बार होने वाला ही नहीं है, NTSC का एग्जाम ही नहीं होने वाला है. NTSC का एग्जाम लाइफ में इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, दूसरी बार नहीं होने वाला एग्जाम. सो व्हाई वी आर मिसिंग दिस. और यदि वो मिस कर दिए दोस्तों, तो ऐसी गलती फिर से ना हो, इसके लिए सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है. कि वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के बाद क्या कुछ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जो आने वाले केवल 2 सालों के लिए मिलने वाली है. यस, आज उसकी भी चर्चा करूंगा. बट इन सब के लिए मैंने कहा ना, जस्ट इंट्रो इंस्पेक्ट योर ब्रेन एंड योर माइंड एंड योर हार्ट, व्हाट इट दे आर सेइंग, एंड जस्ट कलेक्ट द नॉलेज, गेदर द नॉलेज, गेट द एक्चुअल रियलिस्टिक मैट्रिसेस, फिगर्स एंड डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, एंड जस्ट स्टार्ट योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस. थ्योरी और प्रैक्टिस,
थ्योरी कब पढ़ी जाती है, प्रैक्टिस कब की जाती है, दिस इज आर पेडागॉजी. वो तो डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट चूज योर करियर एंड वंस यू चूज फॉर आईटीजेई एंड नीट, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर हियर फॉर यू. थ्योरी बेस्ड एक्सरसाइज कैसी होती है, एक्सरसाइज बेस्ड थ्योरी कैसे पढ़ी जाती है, विच वन इज फिटेड वेयर इट, ये सब आपको समझ में आएगा. बट जस्ट डिसाइड यूर सेल्फ फर्स्ट वेयर यू वॉन्ट टू गो, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड स्पीड. दौड़ तो कछुआ भी रहा था दोस्तों, दौड़ तो खरगोश भी रहा था, फिर भी हारा, और बहुत धीरे धीरे चल रहा था कछुआ, फिर भी जीता, क्योंकि डायरेक्शन बहुत मैटर करता है. कितनी भी तेज दौड़ लगा ले आप, सुना होगा आपने ऐसे बहुत सारे, वो भैया बहुत पढ़ता था, भैया सर बहुत पढ़ता था, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन. अरे भाई बहुत पढ़ता था, लेकिन क्या डायरेक्शनल पढ़ता था, क्या उतना ही पढ़ता था जितने की जरूरत है? तो ये तो यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि प्रैक्टिस करना है, कोई भी पब्लिशर की बुक उठा ले प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है कि वो हमें कहां से प्रैक्टिस करनी, हाउ टू प्रैक्टिस, व्हाट टू प्रैक्टिस, एंड द करेक्ट वेज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज डूइंग इनकरेक्ट प्रैक्टिस डेफिनेटली विल रिजल्ट इन टू इनकरेक्ट वन, राइट. इसलिए रेजोनेंस इज ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस, टाइम मैनेजमेंट. आप बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हैं, बट क्या आप स्प्लिटेड आवर्स में काम कर पा रहे हैं? मैंने कहा ना कछुआ खरगोश की कहानी, खूब तेज दौड़ा खरगोश, खूब तेज दौड़ा, फिर भी रेस हार गया. दोस्तों शायद यही तो इस जनरेशन की प्रॉब्लम है कि पंचतंत्र की इस कहानी को सही तरीके से नहीं समझा गया, मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स में नहीं समझा गया उसको. उसको समझना पड़ेगा, समझना ऐसे पड़ेगा दोस्तों कि वो खरगोश तेज भागने के बावजूद क्यों हारा और कछुआ बहुत धीरे धीरे चलने के बावजूद क्यों जीता, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट नहीं था खरगोश का, ठीक आपकी इस जनरेशन की तरह. जब पढ़ने के लिए बोला जाए तब भूख लगती है, जब खाने की थाली लगाई जाए तो मोबाइल बजता है, जब कहा जाए कि मोबाइल पे बात कर लो, काम कर लो, तो पढ़ाई याद आती है, ठीक उसी खरगोश की तरह. जब उसे दौड़ना चाहिए था तब वो सो रहा था, और जब उसे एक्चुअल आराम करना था जीतने के बाद तब वो दौड़ रहा था. जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ टाइम मैनेजमेंट एक अच्छा दौड़ने वाला भी हार गया. यस, देयरफॉर अ गुड मेंटोरिंग इज नीडेड. बट डोंट वरी अगेन, इफ यू चूज फॉर साइंस डेफिनेटली और रेजोनेंस, नाशिक इज ऑलवेज देयर फॉर यू. कंपटीशन डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर. कोई भी एग्जाम हो, टेंथ के बाद नहीं निकलता है, ट्वेल्थ में एनटीएससी नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं. इलेवन ट्वेल्थ में क्या आपने आईटीजेई, नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा आपने सीएसीएस के एग्जाम्स, या आपने आपको जिस फील्ड में जाना है क्या आपने उस एग्जाम का कंपटीशन देखा? ट्वेल्थ तक लेवल पर नहीं निकाल पाए, नो प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन में आएगा यार. बहुत पहले कहानी सुनी थी मैंने कि एक बच्चा था 15-16 साल का, तो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता, जब वो ट्वेल्थ में पहुंचा बस बनना चाहता था, सोच रहा था, कॉम्पिटिशन की एक्चुअल नॉलेज ली नहीं, सही प्रैक्टिस की नहीं, ट्वेल्थ तक सोचते सोचते धीरे कम होने लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, ग्रेजुएशन किया तो पता लगा एग्जाम नहीं निकल रहा है, फिर पोजिशन करने के बाद सोचा निकाल लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं निकला, और फिर फाइनली हमें एक ऐसा वो पढ़ा लिखा बेरोजगार मिलता है जिसका डायरेक्शन ना होने की वजह से, सही उसकी मेंटोरिंग नहीं होने की वजह से, एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्वान भी बेरोजगार की तरह घूम रहा है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन पा रहा. क्यों? क्योंकि होमवर्क सही था. दोस्तों प्रेशर सभी पे है, यकीन मानिए प्रेशर सभी पे है, सबके लिए रास्ता पथरीला सभी के लिए, लेकिन उस पथरीले रास्ते में आप दो बातें बिल्कुल समझिएगा. मैं बीइंग अ काउंसलर भी आपसे बात कर रहा हूं, मुझे मेरे टीचर ने कहा था, नितिन जब भी रास्ता पथरीला हो तो घबराओ मत, मंजिल खूबसूरत हो तो बेपरवाह चले चलो, लेकिन रास्ता खूबसूरत हो तो थोड़ा विचार करो कि कहां जा रहा है, मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करो. अब मैंने जब सर से डिस्कशन किया इस विषय पर, तो उन्होंने रास्ते की भी कठिनाइयों के बारे में बताया कि पथरीला रास्ता यदि है दोस्तों, तो आपको अच्छी होमवर्क यानी अच्छे सोल के, अच्छे कंपनी के एडिडास के शूज, बढ़िया आप दौड़ जाओ,
बाहर का पथरीला रास्ता आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कितनी भी अच्छी कंपनी के जूते में छोटा सा कंकड़ रख दिया जाए तो दोस्तों आप नहीं दौड़ पाओगे। कितना भी अच्छा स्मूथ रोड हो तो भी नहीं दौड़ पाओगे, अंदर कंकड़ यदि भरा। बात कितनी ज्ञान की बताई कि इंसान जो हारता है वो अपने मन की कमियों से, मन की तकलीफ से हारता है, मन की कमजोरी से हारता है, अंदर की कमजोरी से हारता है, बाहर के एनवायरमेंट से नहीं हारता। तो दोस्तों कंपटीशन के प्रेशर में सबको भागना है, बस हौसला रखिए, जीतना हमारा उद्देश्य। हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतने का प्रयास कितना बेहतरीन आपने किया था ये मैटर करता है। टेस्टिंग और एनालिसिस डेफिनेटली वंस यू नीड टू चूज द योर करियर देन डेफिनेटली दैट शुड बी फिटेड टू योर टेम्परामेंट। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, आज की दुनिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि अपने आप को मेंटेन करना है तो एटीट्यूड डज मैटर रादर देन एप्टीट्यूड, क्योंकि वो एटीट्यूड वो स्किल जरूरी है। एप्टीट्यूड से ज्यादा आपके आपके समय जो आने वाला है दोस्तों वो स्किल्ड पर्सन का आने वाला है। सो जस्ट ट्राई टू इंप्रूव योर स्किल्स, इंप्रूव योर टैलेंट, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द स्कोप। स्कोप क्या होता है? जहां से पैसा आने लगे वो स्कोप। आज तो किसी भी प्रकार के कमीशन के बेस यदि काम पर अपन करने लगते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा कमीशन निकल आता है, लेकिन क्या वो स्कोप है? डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द स्कोप, जस्ट ट्राई टू जनरेट योर स्किल्स एंड टैलेंट। सो कमिंग टू द पॉइंट, जिसके लिए आज आप मेरी बात सुन रहे हैं बहुत देर से, फ्यू करियर ऑप्शंस, देर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस। दोस्तों ये आप फटाफट या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या तो बढ़िया से नोट करके रखिए, मैं समय भी दूंगा डिस्कशन का, क्योंकि आज मेरी जरूरत नहीं है आपको, गूगल पे सब अवेलेबल है, लेकिन मैं तो आज सिर्फ इसलिए हूं कि आई एम इग्निशन फॉर यू, कि दोस्तों सर्च करो, मुझसे ज्यादा ज्ञान वहां पर गूगल पर अवेलेबल है बट कभी कोशिश ही नहीं। एटलीस्ट वो जिन्होंने 10 तक स्कॉलरशिप एग्जाम एनटीसी का एग्जाम नहीं दिया उनके लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क में रख रहा हूं कि क्या उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि टाइप करके देख लें व्हाट आर दी कैरियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th। यदि वो देख लिए होते तो बहुत सारे एनटीएससी के आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाते, वो मिस कर दिया, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। बट एनीवेज डोंट मिस नाउ। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स एंड फाइनेंस, लॉ, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, मीडिया मास, फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, और ऑब्वियसली मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं आज जनरेशन को ट्रेन कर पा रहा हूं बीइंग अ टीचर। टीचर बहुत होंगे दोस्तों, बैड टीचर्स कॉस्टली मोर एंड गुड टीचर्स कॉस्ट मोर, है ना, बहुत फर्क है। तो एक अच्छे टीचर और अच्छे मेंटोर में आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम मेंटरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स एंड बिहाफ ऑफ नासिक रेजोनेंस आर यंग टीम फुल ऑफ एनर्जी इन एनर्जेटिक वे वी आर ट्राइंग टू ग्रूम द आईआईटी एंड नीट एस्पिरेंट्स ऑफ नासिक सिटी। बहरहाल कमिंग टू द इंजीनियरिंग पार्ट, वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं बच्चों। सबसे अच्छा बेस्ट जो होता है, मैंने आपसे कहा कि जब भी देखना है तो बेस्ट ऑप्शन उसका सोचते हैं पहले, क्योंकि मैंने कहा ना वो छोटा सोचना भी शायद कहीं ना कहीं एक क्राइम है। स्टूडेंट टीचर कहा करते थे कि आपने छलांग लगाई चांद को छूने के लिए और एक ने छलांग लगाई अगले फ्लोर को छूने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, वो जिसने चांद को छूने के लिए लगाई वो कहीं बेहतर चला गया हो, ठीक है मिला उसको वही जो आना था, लेकिन वो छूकर उस अनुभव को लेकर तो आया, आपने तो कोशिश ही नहीं की। सो इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात यदि करूं इंडिया में तो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज आईआईटीज, जिसके बाद आपने एनआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दो इसमें एग्जाम्स कंडक्ट करता है मेन्स प्लस एडवांस, एनआईटीज जो एनटीए कंडक्ट करता है और एडवांस जो आईआईटी कंडक्ट करती है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में आईआईटीज पहले, फिर देन एनआईटीज, फिर कुछ ट्रिपल आईटीज होती हैं, बिट्स होते हैं, आईआईएसटी होती है स्पेस टेक्नोलॉजी, आईसीआई होती है, यानी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो जेई के थ्रू आप ऑप्शन ओपन करते हैं। ये एक सिर्फ फिगर है, डेटा है, डेफिनेटली बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। जस्ट मैंने आपको बताया कितनी आईआईटीज हैं आपको पता होनी चाहिए, कितनी सीट्स हैं आपको पता होनी चाहिए,
बिरला इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स हैं, डीम यूनिवर्सिटीज में आपको कितनी सीट्स मिलती हैं, और फिफ्थ नंबर पर एक दिख रहा है आईसर और आईएससीज और आईआईएसटीज, जिसके गेटवे जिसका ओपन होने के लिए रास्ता खुलता है जेई एडवांस के थ्रू, और एक सेपरेट एंट्रेंस होता है केवीपीओए के। अभी मेरे सेशन चलने तक भी देख लो दोस्तों, मेरे सेशन चलने तक आप YouTube चैनल पर जाकर देखिएगा रेजोनेंस मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू फॉर केवीपीओए, स्टूडेंट को कॉरिडोर में वेटिंग में कैसे वेटिंग लॉन्च में बैठना है, क्या ड्रेसअप उनका होना चाहिए, क्या उनका आउटफिट होना चाहिए, किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारी प्रैक्टिस हमारे यहां करवाई। और ये हिस्ट्री है नासिक केस में कि एट अ टाइम एक बैच से छह बच्चा, एक साथ बच्चा एक साथ केवीपीआई का एग्जाम निकालता विद द बेस्ट रैंक इन नासिक, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 30। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इस आईसर आईसी से होना क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये एक ऐसा सेंटर है जो हिंदुस्तान में अकेला है, वर्ल्ड रैंकिंग में बैठता है, और इसके लिए गेटवे खुलता है जेडब्ल्यूई के एग्जाम से या केवीपीवाई के एग्जाम से, जो जीवन में केवल दो बार होने वाला है दोस्तों, और केवल आने वाले दो सालों में ही होने वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें भी एंट्री चाहते हो तो आने वाले दो साल में ही परीक्षा होने वाली, उसके बाद नहीं होगी, ये जानना बहुत। और ऐसे में सेशंस बच्चों, यूजुअली वी यूज टू कंडक्ट सच सेशंस ऑन एवरी संडे आफ्टर रेजोनेट एग्जामिनेशन, जब हमारे यहां पेरेंट्स स्टूडेंट्स को लेकर अपने बच्चों को लेकर स्कॉलरशिप टेस्ट देने आते हैं पेरेंट्स, तो आप भी ध्यान रखिए कभी हम बताना भूल जाए। तो जब आपका बच्चा टेस्ट दे रहा होता है तब मैं ये सेशन ले रहा होता हूँ पेरेंट्स का, और ये बहुत सारी डिटेल्स इसी बताता रहता हूं ताकि उनका भी माइंडसेट क्लियर हो, क्योंकि पेरेंट्स चार बेसिक पिलर होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एक होता है वो स्टूडेंट खुद, दूसरा होता है उसका मेंटोर, तीसरा होता है वो किस स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहा है, और चौथा होता है पेरेंट्स। ये चारों यदि एक साथ मिल जाए और अपना बेस्ट दे दें तो डेफिनेटली बिल्डिंग बहुत खूबसूरत ही बनती है। इट मे टेक्स टाइम, ताजमहल बड़ी आसानी से नहीं बनता, बट ये बनता बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जेई एग्जाम के थ्रू आपको गेटवेज ओपन हो जाते हैं, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ मैं आपको IIT बताकर आप पर छोड़ता हूं ताकि आप उसका पूरा रिसर्च करो, कोई दिक्कत आती है वी हैव IIT एक्सपर्ट्स, हमारी सारे कोर टीम मेंबर्स IITians होते हैं, नॉट लेस देन दिस, और वो रिसेंट और फ्रेशर अपने और कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा एक बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन, अनुभव और योग्यता का कॉम्बिनेशन लेकर हम लोग चलते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू रेजोनेंस सेंटर। ड्रीम डेस्टिनेशन, किसी का भी ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है IIT। बहुत सारे डिग्री कोर्सेज हैं जो IITs में ऑफर किए जा सकते हैं, मैंने एक ऑप्शन आपको बताना है आज, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक बहुत बढ़िया इसमें चीज कॉमन निकल कर आती है, नारायण मूर्ति साहब, चेतन भगत साहब, मनोहर परिकर साहब, सुंदर पिचाई साहब, इन सब में एक कॉमन चीज है, दैट इज व्हाट IIT। क्या पॉलिटिशियन क्या सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है ना, क्या ऑथर, क्या राइटर, समथिंग इज कॉमन, दैट इज IIT, बिकॉज वहां से मटेरियल वो क्रीम बन के निकलता है। सो ये सब तो ये बहुत बहुत सारे ऐसे लिस्ट होगी जिसमें आपको ये पता लगेगा कि यस ऑल दीज आर फ्रॉम IITs। IIT को डिफिकल्ट क्या बनाता है, किसी भी एग्जाम की मैं सभी की बात करूंगा, ये सब पे डिटेल बाद में चर्चा जरूर कर लेंगे किसी दिन, और आपको जरूरत पड़ती है तो आप डेफिनेटली बच्चों यू कैन विजिट टू द सेंटर एंड डायरेक्ट IITian से बात करो। मैं तो एक डॉक्टरेट पर्सन हूँ, बायोलॉजी मेंटोर हूँ, बट सारे IITians, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT धनबाद, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, बहुत सारे टीचर्स आपको वहां मिलेंगे, इनफैक्ट मेंटोर्स वहां मिलेंगे जो आपको काउंसलिंग वे में बताएंगे। इट डजंट मैटर वेदर यू वांट टू जॉइन रेजोनेंस और नॉट, और वेदर यू वांट टू गो फॉर IIT और नॉट, बट मैंने कहा ना जस्ट ज्ञान तो प्राप्त करें हम, एक्चुअल पोजिशन तो जाने, उस IITian से तो मिले कि ऐसा होता है IITian, क्योंकि अभी वक्त है अपने पास दोस्तों, ये एक महीने भर का वक्त अभी होगा, फिर एग्जाम शुरू हो जाएगा और फिर शायद एक प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा करियर चूज कर। सो मीनवाइल अभी मिला जा सकता है, सेंटर पे आके टीचर से बात की जा सकती है, कैसा सीन होता है IIT में, हॉस्टल में क्या लाइफ होती है, क्यों प्रेशर आता है, क्यों इतने बहुत सारे कुछ मिसहैपनिंग्स वहां पर हो जाती है, एवरीथिंग यू मस्ट नो, होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड, राइट।
देन एनआईटीज की बात आती है जिससे आपको आईआईटी मेन से एडमिशंस मिलते हैं, देन कुछ एनआईटीज मैंने यहाँ बताया जो हर राज्य में लगभग एक होता ही होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, आईएसटी होती है, स्टेटिस्टिकल साइंस होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, आईसर्स होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, व्हाट आर दोस ड्यूल डिग्री, आईआईएसटी क्या होती है, आईएससीज क्या होती है। यस अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट पेरेंट जो भी मुझे सुन रहे हैं, यदि आप वाकई रेजोनेंस के टेस्ट और एग्जाम में आप देते हैं तो उस संडे के दिन वो सेशन मेरा जरूर अटेंड करें, सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि यस ये क्या क्या और ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं। सो स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इनमें गेटवेज कैसे खुलते हैं? क्या मुझे 11th 12th में बोर्ड में प्रिपरेशन में 6 सब्जेक्ट्स लेने हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश कंपलसरी है, बायो मैथ ज्योग्राफी में से कोई 2 लेने हैं, सर मैं कैसे लूं, कौन से 2 लूं, उससे मुझे क्या फायदा होगा, 6ठा सब्जेक्ट में आईटी ज्योग्राफी आईटी हिंदी मराठी में से कुछ लूं या कंप्यूटर साइंस ले लूं, क्या उसका कोई वेटेज मुझे 5% का बाद में मिलने वाला है यदि मैं 12th में सीएस रखता हूं या इलेक्ट्रॉनिक्स रखता हूं? देर आर सो मेनी क्वेश्चन फॉर विच दिस जूम मीटिंग डेफिनेटली विल बी अ रेस्ट्रिक्टेड और दी रेजिस्टेंस, बट वी आर वेरी मच ओपन, आप कभी भी आकर मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। संडे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संडे यूजुअली मैं ये घंटे का सेशन पेरेंट्स के लिए लेता हूं टू मेक अ फोर्थ पिलर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाइल देयर स्टूडेंट्स व्हाइल देयर वाट्स आर अपेयरिंग रेजोनेंट टेस्ट। आईएससी हर जगह नहीं खोला जा सकता, इसलिए आईसर्स खोलेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पूना भोपाल रायपुर नाइसर भुवनेश्वर, वेरी बिग इंस्टीट्यूशन जहां जो बच्चा साइंस या मैथ्स लेने के बाद भी आईआईटीएन नहीं बनना चाहता, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनना चाहता, भाई रिसर्च में जाए, साइंटिस्ट बनना चाहता तो बिल्कुल जाए। अभी डोंट टेक इट अदरवाइज स्टूडेंट्स, अभी यहां बैठी हुई 90% जनता ये नहीं जानती कि मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट लेने के बाद वो एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकता है, और ऐसा मैं नाम के साथ आपको बताऊंगा। वन ऑफ आर स्टूडेंट सई भोसले, शी क्रैक आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सो और वो बैंगलोर पहुंची, हॉर्टिकल्चर में साइंटिस्ट बनेगी बाहर निकल जाएगी, मतलब एक अलग सी लाइन पकड़ी और बिल्कुल ध्येय को पकड़ के उसको चलते रहे, जिसमें हमने 100% उसे सपोर्ट दिया, वॉट एवर योर इंट्रो इंस्पेक्शन टोल्ड यू, आपका दिल दिमाग जो कहता है उसके लिए आपको तैयार करते हैं, नो प्रॉब्लम। कमिंग टू द मेडिसिन पार्ट, नीट और एम्स, अब अलग अलग एग्जाम नहीं होते हैं, सिंगल विंडो एग्जाम हो गया दैट इज नीट, चाहे एम्स में जाना हो, हिंदुस्तान में डॉक्टर बनना है तो केवल और केवल एक एग्जाम है दैट इज नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। कितनी सीट्स होती हैं, क्या कट ऑफ होता है, 15 लाख बच्चा हर साल बैठ रहा है, 50,000 भी गवर्नमेंट सीट नहीं है, नॉलेज लेना जरूरी है, गोल डिसाइड करना जरूरी है, सही मेंटोरिंग होना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में तैयारी की जाए ताकि 360 में 360 मारे जाए, 175 180 में मारे जाए, 180 में 180 कैसे मारे जाए, बिकॉज वी हैव प्रूवन दिस, दैट्स व्हाई माय कॉन्फिडेंस इज देयर। देयर आर सो मेनी मेडिकल कॉलेज जो हर साल बदलते रहते हैं दोस्त, हर साल कोटा सिस्टम बदलता रहे, रेजोनेंस का विद्यार्थी ये भी जानता है लास्ट मोमेंट में कि कल कौन से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट उसे उसे कोटे से मिल सकती है, ओपन हो रही है, दे आर वेल अवेयर विद दिस बिकॉज वी हैव कंडक्टेड सो मेनी सेशंस फॉर देम कि कौन से कॉलेज में कहां पर सेशन एडमिशंस सीट्स बढ़ गई हैं, कितनी सीट्स बढ़ गई हैं, सेकंड राउंड में कैसे मिलने वाला है, बिकॉज वी हैव दैट काउंसलिंग सेशंस रेगुलर। सो ये तो एक सिर्फ फिगर हो सकता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन हो सकते हैं। नासिक में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट थी जो इस साल पूरी हुई, बट पीजी की सीट स्टार्ट हुई, यूजी के लिए अभी सीट इस साल शुरुआत नहीं हुई। जिपमेर जैसा एग्जाम हुआ करता था पुदुचेरी में, जो एट वन गो यूजी पीजी दोनों कराता था, बट अब वो ब्रेक कर दिया गया है। अभी तो दोस्तों ये भी नहीं पता होगा आप में से कईयों को कि एम्स में, एम्स से वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, there are so many interdisciplinary branches my dear, you are not knowing ki you can pursue your btech in biophysics, can you imagine the person, the scientist who is preparing oximeter during covid, he should be the
full of knowledge of physics and biology equally. Why not? There should be interdisciplinary branch biophysics. Just imagine ना यार, वो market analyst क्या करते होंगे, कैसे market को read करके अंबानी और ताडानी और इन सारे बड़े बड़े ग्रुप को मार्केट एनालिसिस देते होंगे, वो फाइनेंस एनालिस्ट क्या करते होंगे, उन्होंने क्या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा, यदि पढ़ा होगा तो क्या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा। अब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है यार, देर आर सो मेनी डिफरेंट बट्स, सो दीज आर जस्ट फिगर, आई एम टेलिंग यू जस्ट फील्ड्स, व्हाट फील्ड्स कैन बी देयर, आप क्या क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, कितने साल का होता है, ये सब आपकी जनरेशन एक्सपर्ट है, मेरे लिए ब्रांच बताना आपके लिए जरूरी है, उसका प्रिपरेशन का क्या तरीका होता है, डेफिनेटली इन डिटेल वी कैन डिस्कस इफ यू वांट, अदरवाइज मैं बाकी चीजों पे फोकस करूंगा। टोटल कितनी सीट्स हैं, सीट्स आर वेरिएबल, नंबर्स वेरिएबल होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, कुछ नैक अक्रेडिटेशन फुलफिल ना होने से सीट्स कम भी कर दी जाती हैं, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तीसरे ऑप्शंस पर आता हूं, एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिखता है, कॉमर्स एंड फाइनेंस, सीए है, सीएस है, सीएफए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है, भाई क्यों नहीं मैं, क्यों ही मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनूं, why not I should prepare myself for commerce, it's a very good branch, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही यदि वो आपको लग रहा है, जो हालांकि सुख नहीं है, सुख तो वो है जब आप अपने आप को संतुष्ट पाते हैं, और संतुष्ट वो पाएगा जो अपनी फील्ड में इंट्रो इंस्पेक्शन करके सही दिशा में आगे बढ़ा होगा। एक वो बंदा जिसे किसी काम में 2000 रुपए मिल रहे हो तब भी खुश था, जब उसे 2 लाख मिल रहे होंगे तब भी खुश होगा, क्योंकि उसने उस काम को चूज किया है, वही उसका इंस्पिरेशन। सो चूज वाइजली, क्या स्टेप्स हो सकती हैं, इनरोल योरसेल्फ इन सीए फाउंडेशन कोर्स 12 कंप्लीट करके, 4 मंथ का स्टडी पीरियड होता है, सीए फाउंडेशन में अपियर होइए, सी इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ऑफरिंग बॉडी कौन होती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 3 लेवल में एग्जाम्स होते हैं, 5 ईयर कंप्लीट लगते हैं, 10+2 में हो सकता है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कैरियर हो सकता है दोस्तों, यदि आप टैक्सेशन जैसे किसी सब्जेक्ट से डील कर सकते हैं, अकाउंटिंग जैसे किसी सब्जेक्ट से डील कर सकते हैं, कॉमर्स के साथ साथ एनालिसिस आपका बहुत अच्छा है, ऑडिटिंग आपकी बहुत अच्छी है, इसके अलावा फाइनेंस एनालिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स हो सकता है, देयर आर सो मेनी, स्काई इज द लिमिट, यदि आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, सेल्फ प्रोफेशनल आप सीए के थ्रू, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, यानी देयर आर सो मेनी ऑप्शन, जस्ट एक्सप्लोर, यदि आप इस फील्ड में भी आगे जाना चाहते हैं, टुडेज एजेंडा इज टू मैं आपको एक्सप्लोर करवा दूं कि हाँ भैया ये ऑप्शंस भी सोचे जा सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट अगेन, ये बहुत सारे एक फिगर हो सकते हैं, जिसमें कौन सी बॉडी, मैंने आपको बताया आईसीआई कंडक्ट करती है, कितनी सीट्स हो सकती हैं, एग्जाम पैटर्न कई बार बदलते रहते हैं, अटेम्प्ट कोविड में यदि मैं कहूँ तो मेंस के मैं 2 अटेम्प्ट कहता था, अब 4 अटेम्प्ट होते हैं, यानी बहुत सारी चेंजेस हैं, बस जस्ट नो कि वॉट आर दी फील्ड्स, कंपनी सेक्रेटरी के लेवल पर क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या करियर के ऑप्शन उसमें हो सकते हैं, जस्ट एक्सप्लोर, गूगल आपके लिए अवेलेबल है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट क्या हो सकता है, कैसे सीईओ को उसकी जरूरत होती है, सीएमए क्या होता है, कंपनी में इनकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है, अच्छी हाई सैलरी पर ये हो सकते हैं, और सिर्फ किसी ये कंपनी में नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी को आप ले लो, कहीं पर भी ले लो, बड़ी बड़ी कंपनीज में इनकी रिक्वायरमेंट है। बैंकिंग इज डेफिनेटली एन वेरी गुड एंड सेटिस्फैक्टरी सेक्टर फॉर सम एंड वेरी डिससेटिस्फैक्टरी सेक्टर फॉर समवन। बैंकिंग का टाइमिंग्स को लेकर यंग जनरेशन के साथ बड़ा एक चैलेंजिंग होता है, जो शायद काम नहीं कर पाते हैं, बट बैंकिंग में भी नए नए बहुत ऑप्शंस आ गए, बहुत एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस मिल गए, इंश्योरेंस आ गया है, यानी आई शुड से इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट आ गया है, देयर आर सो मेनी मैटर इन्वेस्टमेंट्स एस्पेक्ट्स, लेकिन क्या हम उस फील्ड को पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें तो अभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ही डिफरेंस नहीं पता, और हमें सीएस बनना है, सीएस करना है, भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत फर्क है, सेविंग में लॉस नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकता है, सब्जेक्ट टू चेंज, यानी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दोस्तों आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। सिविल सर्विसेज, लाल बत्ती की गाड़ी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आएगी सो आएगी, जिसमें बोर्ड खत्म हो जाएगा, 10+2+3 बदल जाएगा, वो 5+3+4 5+4+3+3 हो जाएगा, सब अलग चीज है,
मिनिमम ग्रेजुएशन आपको लगेगा ऐसे किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की। जो बच्चे बीई बीटेक करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, वो पीजी यदि करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, एमटेक के लिए जाना चाहते हैं, वो जीआरई का एग्जाम दे सकते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट के एग्जाम से वो एमटेक में जा सकते हैं। जो एमएससी वाला बंदा है वो भी गेट दे सकता है, बट वो पीएचडी के लिए जा सकता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके मैं आपके सिर्फ हम वो आपको इग्नाइट कर दे रहा हूं। आपको लगता है तो डेफिनेटली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रेज्यूम्स आ सकते हैं, काउंसलर वहां पर होते हैं, अदरवाइज मैंने आपसे कहा कि संडे के दिन आप मिल सकते। तो सिविल सर्विसेज जो किसी का भी एक अट्रैक्शन हो सकता है दोस्तों, एक अलग रिप्यूट है उसका, एक अलग कहना चाहिए कैडर है उसका, एक अलग क्लास है उसका, दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ये एक अलग मटेरियल है। अपना स्किल देखिए, अपना टेम्परामेंट देखिए, अपनी क्रिएटिविटी को देखिए, यदि वो है तो डेफिनेटली इस फील्ड में आगे जाइए। अपनी प्रेजेंटेबिलिटी को देखिए, अपना कॉन्फिडेंस देखिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल देखिए, और डेफिनेटली इस फील्ड में आगे बढ़ने के बहुत सारे स्कोप मिल सकते हैं। फैशन डिजाइन, बीच में एक ट्रेंड चला था कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो हम उसे फैशन डिजाइनिंग करा देते हैं। अरे भाई, फैशन डिजाइनिंग में भी यदि आप जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग में भी यदि आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम देना पड़ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, और उसके लिए भी एक अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपना खुद का डिग्री अवार्ड करता है, NIF कीजिए। बट मेरा हमेशा इंसिस्ट यही रहेगा कि सबसे बेस्ट को पहले ट्राई कीजिए। फैशन डिजाइनिंग में जाना है, मम्मी आई विल गो फॉर NIF, यस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है मैं पता करता हूँ, कैसे डिप्लोमा लिया जा सकता है मैं पता करता हूँ, कहां से डिग्री ली जा सकती है, क्या क्या डिजाइनिंग हो सकता है, गारमेंट है, लेदर है, फुटवेयर है, एक्सेसरीज है, सो मेनी थिंग्स। बट बेस्ट लाइफ में सेट होना है तो कॉम्पिटिशन निकालना पड़ेगा। मैं हमेशा से बार बार पूरे लेक्चर में कह रहा हूं, सेट होने की बात आती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदरवाइज सेट तो हो जाते हैं दोस्तों बट रास्ता लंबा हो जाता है, और फिर वो जब एड़ियां रगड़नी पड़ती है तो फ्रस्ट्रेशन आता है और फिर गलत कदम उठा लिया जाता है। और अभी आपका ब्रेन और माइंड सेट इस स्टेट में है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी चाहो बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते, तो उसके लिए बस पता करो कि वॉट इज दैट कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड उसको गो अहेड, बट फाइंड द बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट। हॉस्पिटैलिटी, ये आपका एक नेचर हो सकता है, नेचर हो सकता है बच्चे IQ और EQ, इमोशनल क्वोशेंट और इंटेलिजेंसी क्वोशेंट, यार किसी को लग रहा है कि आई एम वेरी गुड विद कम्युनिकेटिंग विद पीपल, आई एम वेरी गुड द इमोशनल स्किल्स आई हैव, व्हाई नॉट आई शुड हैव वेरी हॉस्पिटैलिटी नेचर, व्हाई नॉट आई शुड गो इन दिस सेक्टर। मैंने यहां मेंशन भी कर रखे हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग पोजिशंस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप बिल्कुल नोट करते चलेगा। अदरवाइज मैं ना आज सिर्फ आपको एक इग्नाइट करना मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं दोस्तों, और पेमेंट स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, एक कुली जो है, ये जब कोविड की सिचुएशन नहीं थी, आई वॉज इन ग्रोइंग स्टेज, मैं देखता था 10th 12th और फर्स्ट ईयर में जब मैं ट्रेन से कभी आना जाना करता था, कुली बनने में कोई स्कोप नहीं। मैं देखता क्या हूं कि ट्रेन, मैं भोपाल में था, भोपाल ट्रेन में लगभग 70-72 ट्रेनें एक दिन में पास हो जाती, जो टाइम टेबल चार्ट मुझे दिखता। रिजर्वेशन नहीं मिलता था तो फैमिली मेंबर्स को भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा तो बेचारा अपनी फैमिली को बिना रिजर्वेशन के तो नहीं ले जा सकता, अब सीट कैसे पकड़ी जाए। पुलिस ने उसमें भी टैलेंट जनरेट किया, स्किल्स डेवलप की, अपना वो गमछा चलती ट्रेन में खिड़की में से फेंका, उस पर कैप्चर किया, थोड़ी सी रौबदारी रंगदारी दिखाई और अपनी सीट फिक्स की, ₹50 पर पर्सन से सीट बेची, एक किसी फैमिली मेंबर ने 4 सीटें रखी अपनी, ₹200 पकड़ाए, और ऐसी दोस्तों 70-72 ट्रेनें एक दिन में। कमाई करने का जरिया उसने ढूंढा, ये आपको देखना पड़ेगा समय कैसे चेंज हो रहा है, मुझे किस फील्ड में ज्यादा बेटर ऑप्शन देख रहे हैं। आऊंगा उसके लिए, संस्कृत का श्लोक भी बताऊंगा आपको लास्ट, जो मुझे मेरे पिताजी ने उनको उनके पिताजी ने शायद पास ऑन करते रहे, और यही शायद परंपरा है और यही संस्कार है, यही संस्कृति है, और उसी से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं।
तो यार आपको टैलेंट जनरेट करने के लिए ये भी बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है। और आज हर किसी बड़ी कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपिंग पर्संस, अच्छे खासे, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे अमीर कंपनियों में एक केवल सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है। कैन यू इमेजिन? और ऐसी कंपनीज अब देश विदेश में अपना बड़ा कारोबार और नेटवर्क फैला है। मैं अपनी बात करूं, रेजोनेंस को यदि सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने होते हैं तो एजेंसी की मदद ले ली जाए। सो देर आर स्कोप, देर इज अ स्कोप ऑफ टैलेंट जनरेशन। डिफेंस डेफिनेटली, आज मेरे कुछ कुलीग, मेरे कुछ रिलेट, मेरे कुछ फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, दे आर लिसनिंग फ्रॉम ओझर, और वो जानते हैं कि यहां पर कितना बढ़िया एक स्कोप हो सकता है उसके लिए। एनडीए है, सीडीएस है, आईएफ, किधर जाना है, बट गोल, इंट्रोस्पेक्शन, नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, ट्रू मेंटोरिंग एंड ट्रू इंस्टीट्यूशन, इसको पता लगाओ कहाँ सबसे बढ़िया मिल रहा है। औरंगाबाद मिल रहा है, औरंगाबाद जाओ। दिल्ली मिल रहा है, दिल्ली जाओ। देहरादून मिल रहा है, देहरादून जाओ। गो एंड एक्सप्लोर, पता करो बस। बिकॉज हाइएस्ट से कम पे कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं करना है, इनिशियल अभी तो नहीं करना है दोस्तों। प्रयत्न पूरे करें, क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है, राइट? एनीवेज, बहुत सारे और ऑप्शन हैं। मैं कैसी मदद कर सकता हूं आपको उसमें, मेरे पास बहुत सारे डिविजन हैं। लेकिन इस पर आने के पहले मैं इस अप्रोच पर आऊंगा एकेडमिक्स। मैं केवल बात करूं रेस्ट्रिक्टेड टू साइंस, यदि वो करना है तो अपन इसकी बात करें, अदरवाइज मेरे एक संस्कृत के श्लोक को जरूर सुनिए, मिस मत कीजिएगा, दो मिनट और लूंगा बस। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें, मैं आईआईटी जेई और नीट रेजोनेंस आपकी मदद कर सकता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपने या आपके बच्चे ने इसमें जाना चाहिए, बट डिसाइड, वंस डिसाइड व्हाट आई कैन प्रोवाइड, दैट्स माय ड्यूटी, दैट्स माय, आई शुड से, मेरा स्वार्थ इतना था कि मैं कम से कम ये तो बता दूं कि मैं क्या दे सकता हूं। मैं अच्छी मेंटोरिंग दे सकता हूं, आईआईटी मेंटोर्स दे सकता हूं, नीट के डॉक्टरेट मेंटोर्स मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको अच्छा स्टडी मटेरियल दे सकता हूं, मैं आपको अच्छा एनवायरमेंट और अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता हूं। वॉट नॉट इन प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेईई एंड नीट, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम पेरेंट्स इज डेफिनेटली वी आर रिसीविंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, दैट डज मैटर। जिस संस्था में 80-90% एडमिशंस बिना होर्डिंग्स और बिना इसके होते हो, रेफरेंस एडमिशंस पे, That does matter. कहां कहां पर है? 31 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है, ऑलमोस्ट सब में यूनिफॉर्मिटी होती है, कहीं पर भी आप उसका डिटेल ले सकते हैं, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एट बेस्ट। अर्ली बैचेस फॉर क्लास 11th ऑलरेडी बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर, यू आर लिटिल बिट लेट इन दैट, में इन दैट कोर्स वी ऑलरेडी स्टार्टेड, सम अर्ली बैच स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सर हम भी जानना चाहते हैं क्या क्या हो सकता है। एनीवेज, डेफिनेटली अर्ली स्टार्ट के कुछ फायदे हैं, बच्चों के फॉर्म में देखते हैं अर्ली स्टार्ट करने से क्या फायदे होते हैं। यही दो बच्चों की फोटो आप आगे भी देखेंगे, केवीपीवाई में भी देखेंगे, एनटीएससी की फोटो थे जब ये बच्चे 9th-10th में थे, हमारे यहाँ से पढ़ रहे थे, 7th से बच्चे पढ़ रहे थे, रिजल्ट 10th में आते आते इन्होंने दिया, ये 11th में केवीपीवाई लाए, ऑल इंडिया रैंक अच्छी लाए, और यही नहीं रुके तो ये नीट के रिजल्ट और जेई के रिजल्ट में भी आपको बच्चों दिखेंगे। एनीवेज, ये आईआईटी मेंटोर्स जो उनके पीछे की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, आईआईटी बॉम्बे के मनीष सिंह सर, एचओडी फिजिक्स, आईआईटी दिल्ली से स्वप्निल जैन सर, आईआईटी केमिस्ट, आईआईटी दिल्ली शिवाजी भोसले सर, आईआईटी धनबाद एचओडी मैथ्स और माइसेल्फ, ये सारे बच्चे जो अभी आपने एनटीएससी में देखे। एनीवेज बच्चों, ऑल द बेस्ट करने के पहले मैं एक मेजर पार्ट पर यदि मैं आऊं तो एक संस्कृत में श्लोक मैंने कहीं सुना था, मैंने तो अपने फादर से सुना था, जो मैं आपको पास ऑन करता हूं, और शायद उस श्लोक का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं पहले तो, मैं आपसे कुछ क्वेरीज यदि आपकी हो तो मैं, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव सम क्वेरीज, आई विल आस्क यू टू अनम्यूट, just raise your hand if you have some queries।
जस्ट रेज योर हैंड्स पेरेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज। चलिए कोई बात नहीं, एक घंटे की मैंने बात की थी, मैं सेशन को एंड करता हूं बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी हैंड्स टू बी रेज्ड। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। यदि एक्चुअल में लाइफ को सेट करना है, कॉम्पिट एग्जाम को निकालना है, तो विद्यार्थी जीवन के क्या पांच लक्षण हो सकते हैं? काक चेष्टा, उस क्रो की तरह प्रयास करते रहिए, चेष्टा करते रहिए, जिसने पानी को अल्टीमेटली पत्थर डालकर ऊपर लाया और पानी तो प्यास तो बुझाई। काक चेष्टा, निराश मत होइए। बको ध्यानम, उस बगुले की तरह, स्क्रीन की तरह, सारस की तरह बिल्कुल एक पांव पर खड़े रहिए, नजरें गड़ाकर पानी। ऐसा नहीं है कि उसके आसपास छोटी मछलियां नहीं आती होंगी, बहुत छोटी मछलियां आसपास आती होंगी, लेकिन उसका ध्यान बैठा है एट वन शॉट बड़ी मछली। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना। काक चेष्टा बको ध्यान, श्वान निद्रा तथैव च, बिल्कुल वो डॉग की तरह नींद। क्या चल रहा है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा बूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा बूम है, मुझे मैकेनिकल में जाना चाहिए, मुझे केमिकल देखना चाहिए, मुझे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देखना चाहिए, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स आने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी आने वाला है, क्या आने वाला है ये मुझे पता नहीं। श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, आपको कम खाने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, अल्पाहारी। लेकिन विद्यार्थी जीवन में वो मत खाइए जो पसंद, वो खाइए जो जरूरी है। हम वो खाते हैं जो पसंद है, और यहां हम सब चूकते हैं, क्या पेरेंट्स और क्या स्टूडेंट्स। और ग्रह त्यागी, बिल्कुल कोई नहीं कह रहा आपसे कि पुराने जमाने की तरह, सदियों पुराने तरह अपना झूला लेके निकल जाइए गुरु दीक्षा के लिए और वहां से सीख कर आइए, घर छोड़ दीजिए। कोई नहीं कह रहा है दोस्तों ग्रह त्यागी, आपसे कहा जा रहा है ग्रह मीन्स कंफर्ट जोन, ग्रह मीन्स कंफर्ट जोन, जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। और ये तो जिंदगी का उसूल है कि जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में आप रहेंगे, उतने आप स्लो लर्नर रहेंगे। पानी में आपको टायर के सारे तैरना सिखाने के लिए छोड़ दिया जाए तो आप महीनों टायर से ही तैरते रहें, और एक बार धक्का दे दिया जाए, अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए, तो आप दो दिन में शायद तैरना सीख जाए। इसलिए कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। दोस्तों बीइंग अ मेंटर, मैंने अपने पार्ट पे बहुत सारी कोशिश की आपको बताऊं, आज थोड़ा सा सिर्फ इग्नाइट आपको करना था कि मैं कौन कौन सी फील्ड में आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं। इसके अलावा एक्टिंग है, डांसिंग है, वो तो टैलेंट होता है, जिसके स्किल्स होती है, जिसका इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है, वो एक्सप्लोर कर ही लेता है। बट डोंट बी कंफ्यूज, पहले जरूरी जो पांच बातें मैंने बताई, इंट्रोस्पेक्शन करो, गोल डिसाइड करो, और बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी काउंसलर के पास 3,000-4,000 रुपए जाकर दें, वो एक आधे घंटे का टेस्ट पेपर ले और आपको ये बताए कि आप इस फील्ड में, आपका बच्चा कॉमर्स में फिट है, आपका बच्चा डिफेंस में फिट है। जैसे 15 साल माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, 5 साल से पढ़ाते पढ़ाते टीचर अभी उस कंक्लूजन पे नहीं आ पाया, आधे घंटे में काउंसलर बता। अग्री, आई एम नॉट ब्लेमिंग दोस पीपल, उनके भी पीछे कोई साइंस हो सकता है, बट यार हम खुद से पता करें ना, एक्सप्लोर तो करें, अपने स्किल्स को पहचाने तो, और उसके लिए एक बार मैक्सिमम ट्राई करना जरूरी, बिना ट्राई के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आई होप आई कन्वेड। यस अपर्णा मैडम कुछ कहना चाह रही हैं। यस अपर्णा मैडम, यू कैन अनम्यूट। सर कल हम आपसे कब और कहां मिल सकते हैं? सर आप मुझसे कल 11 बजे रेजोनेंस सेंटर पर मुलाकात कर सकते हैं। नासिक रोड या नासिक? नहीं, कुलकर्णी गार्डन पर 11 बजे होंगे, लेकिन शार्प 11 बजे सर, क्योंकि 11 से 12 वो सेशन होता है, वो सेशन में सारी जानकारी देता हूं मैं, और फिर 12 के बाद एक 1-to-1 इंटरेक्ट करता हूं पेरेंट्स। ठीक सर। एनी मोर पेरेंट, एनी क्वेरीज यू हैव, जस्ट रेज योर हैंड्स एंड टेल मी इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग। इफ नॉट, डेफिनेटली I need to close the session. Still, last
request, if anyone have any doubt or any query, any question, just ask me. Perfect. If there is no question, I conveyed my things for which I was conducting this session. So please follow your intuitions, follow your brain, follow your heart, follow your suggestions of your parents. Explore the things, because jo aapke samay availability wo unke samay nahi thi parents ke samay. So explore and then only decide ki how we can prepare our career, how we can make our career. Right? Chaliye. All the best students and namaskar to all the parents. Jab bhi zarurat padegi, just visit to the resonance or call. If you want to know, in fact, number shayad maine usme de diya tha. Yadi aapki kuch requirement bhi ho to, I'll be busy in my classes, so I'm not sharing my personal number. But still, yadi aap kisi prakar se koi query karna chahte hain, I'm giving you one number. आप कॉन्टैक्ट किसी भी इस नंबर पे कर सकते हैं. व्हाट्सएप और कॉल करना हो, दीज आर व्हाट्सएप नंबर आई थिंक. कॉल भी करना हो तो 8390 890 444 and 8390 870 444. You can call on any number. Thank you so much for your patient hearing. See you. Take care of yourself. COVID ho ya common cold ho, dono ka hi virus RNA virus hai. So make sure कि आप मास्क पहने रहें, घर में सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और जरूरत पड़ने पर ही निकलें, लेकिन मास्क पहन करें. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. नमस्कार टू ऑल द पेरेंट्स.